Okay, so here I am with the very next video for class 8. We'll be taking chapter 2 in this video, that is microorganisms. The book that I am taking for this chapter is again same book, that is Collins. And to start off with, the name of chapter is microorganisms. Actually, what microorganism is? Those organisms that are so small that they cannot be seen by naked eyes, they can only be seen with the help of microscope. ऐसे organisms जो कि इतने ज़्यादा small sized होते हैं कि हम उनको naked eyes से नहीं देख सकते. Naked eyes means सिर्फ अपनी आँखों के through हम उन्हें नहीं देख सकते. We need special machinery to see them. ऐसे organisms को बोला जाता है microorganisms. Micro means many, very small. तो very small organisms are called micro. Organism and they can only be seen with the help of microscope, जो कि एक special machinery होती है, एक special instrument होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. So before getting into the various details of the chapter, let's look at the various contents that I'll be taking in this chapter. First of all, we will be study a very little about microscope. After that, types of microorganisms, कितने categories of microorganisms exist करती हैं, we'll be studying about that. After that, we'll be having disease-causing microorganisms. जो microorganism disease cause करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद beneficial microorganisms and then preservation of food. So these are the various content that I'll be taking in this chapter. So let's get into the details that actually how microorganisms are connected to our life. So this is the microscope. माइक्रोस्कोप जैसे हमने डिस्कस किया था, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली देख सकते हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का साइज इतना छोटा होता है कि उन्हें नेकेड आइज से देखना पॉसिबल नहीं होता. एक्चुअल में ये माइक्रोस्कोप करता क्या है? इस माइक्रोस्कोप के पास इस तरीके के लेंसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इस तरीके के लेंसेज सेट किए जाते हैं कि वो लेंसेज हमें बहुत छोटी से छोटी चीज का बहुत बड़ा सा रेजोल्यूशन बनाकर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के कैमरे के थ्रू अगर आपको किसी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके देखना हो तो आप उसे जूम करते हैं ना, एंड बहुत छोटी चीज़ का भी बहुत बड़ा व्यू आपको दिखाई दे जाता है. कुछ ऐसा ही काम ये माइक्रोस्कोप करता है. जो ये एरिया, ये लेंसेज लगे हैं यहाँ पर, एंड एक लेंस यहाँ है, इस लेंस को बोला जाता है आई पीस लेंस. हम अपनी आईज को यहाँ सेट करते हैं, एंड जो ये वाला लेंस है, इस लेंस को बोला जाता है ऑक्यूलर ऑब्जेक्टिव लेंस. ये जो लेंस जो जिससे हम देखेंगे, दैट इज आई पीस लेंस, और जो ये वाले लेंसेज हैं इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस. ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सब्सटेंस को रखा जाता है. जो ये वाले लेंस हैं, ये उसकी बड़ी इमेज बनाएंगे, यानी उसे मैग्नीफाई करेंगे, और जिस मैग्नीफाइड इमेज को जो ये वाला लेंस है, ये और मैग्नीफाई करके हमें दिखा देगा. तो एक्चुअल में माइक्रोस्कोप जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट विद द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस लेंस, इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन की हेल्प से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत मैग्नीफाई करके हमें दिखाते हैं, जिसकी वजह से जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम नेकेड आई से नहीं देख पाते, उसे हम इस माइक्रोस्कोप मशीनरी की हेल्प से देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. टोटल 5 कैटेगरीज में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज एल्गे, थर्ड वन इज फंगई, फोर्थ वन इज प्रोटोजोन, एंड फिफ्थ इज वायरसेस. ये पांचों कैटेगरीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें फॉल करते हैं, एंड इन पांचों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिटेल्स में हम एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं एंड व्हाट आर देयर वेरियस एग्जाम्पल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरिया की. मैं अगर बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं कि व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स विच बैक्टीरिया कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव,
So, the very first characteristic is bacteria are single-celled or unicellular organism. जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो अलोन एक सिंगल बैक्टीरिया की तरह ही एग्जिस्ट करेंगे. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, बैक्टीरियाज जो हैं वो वेरियस शेप्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड उनकी जो जो शेप्स हो सकती हैं दैट आर रॉड शेप्ड, स्फेरिकल शेप्ड, कॉमा शेप्ड एंड स्पायरल शेप्ड. अभी बुक से हम प्रॉपर डायग्राम्स के साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे इन शेप्स के. उसके अलावा जो बैक्टीरियाज हैं वो कहीं भी मिल सकते हैं. एक्चुअली अ लॉट ऑफ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस. दे कैन बी प्रेजेंट इन ओशंस. इवन इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर यू बट येस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गट ऑफ एनिमल्स. गट यू कैन रिलेटेड विद द इंटेस्टाइन. हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में भी बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं. So let's look toward the various pictorial diagrams for the examples of bacteria. Look at the various shapes of the bacteria that are possible. This one, this is rod shaped bacteria, and these three are, they are spherical shaped bacteria because they are consisting of spherical bodies. They are comma shaped bacteria and they are spiral shaped bacteria. So these are the various shapes of the bacteria, and if I talk about the various examples, you can look at over here. I'm showing the book so that spellings can be very much clearly visible to all of you. So examples are, number one you can say is Lactobacillus, Escherichia coli, Vibrio cholera and Yersinia pestis. So these are the various examples of the bacteria that are known. The next category of microorganisms that I have to take is algae, and if we look at the various characteristics of algae, then they are, number one, they are plant-like autotrophic microorganism. ये बहुत important characteristic है कि जो algae microorganisms होते हैं वो autotrophic होते हैं. I hope you people remember autotrophic mode of nutrition you have studied in your last class. Autotrophic mode of nutrition होने का क्या meaning है? ये जो एल्गे है ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं फॉर फूड डिमांड्स. ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं प्लांट्स की तरह. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दे हैव क्लोरोफिल. बट ऑब्वियस बात है तभी वो ऑटोट्रॉपिक हैं. क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है इनके पास. इसके अलावा दे हैव सेल वॉल. सेल वॉल का क्या मीनिंग है कि एल्गे का जो स्ट्रक्चर होता है उस सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एक एक्स्ट्रा बाउंड्री प्रेजेंट होती है जो उसे बहुत ज़्यादा हार्श वेदर कंडीशन से बचा कर रखती है. जो एल्गे हैं वो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं. जो एल्गे हैं वो क्लम्प्स में मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्लस्टर बनाकर वो रहते हैं एक दूसरे के साथ और उसे हम कॉलोनीज कहते हैं. एल्गे कभी भी सिंगली ऑक्यूपाई नहीं करता किसी स्पेस को, वो क्लस्टर्स में रहता है और उस पूरे क्लस्टर को हम कॉलोनी कहते हैं. उसके अलावा जो एल्गे हैं वो जनरली मॉइस्ट रॉक, ट्री बार्क या ऐसे मार्शी एरियाज में ही मिलते हैं. नाउ लुक एट द वेरियस डायग्राम्स ऑफ सम एल्गे. ओके, सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ एल्गे दैट आर गिवन इन योर बुक. यू विल बी एबल टू सी इट वंस यू विल गेट इट. दिस इज नॉस्टॉक, पॉलीसिफोनिया एंड वॉलवॉक्स. दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ द एल्गे. There is one more important context that has been written over here. Please look it over here. Some forms of algae are very large. Even they can be seen with the naked eyes. हालांकि algae जो है वो microorganism का category है. But फिर भी कुछ algae ऐसे होते हैं जो इतने बड़े size के होते हैं कि they can be seen with the naked eyes. और वो marine waters में मिलते हैं जिनको हम sea weeds कहते हैं. Okay, so now let's move toward the next category of microorganism, that is fungi. And if we look at the various characteristics of fungi, then they are, number one, fungi lack chlorophyll. Fungis mein chlorophyll nahi hota hai. Definite si baat hai, agar unme chlorophyll nahi hota hai, green colored pigment nahi hota hai, to wo autotrophic mode of nutrition ko follow nahi karenge, they will follow heterotrophic mode of nutrition.
फंगी जो हैं वो यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। कुछ फंगीज इतने लार्ज होते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम, कि आप उनको नेकेड आईज से देख सकते हैं। इसके अलावा जो फंगीज होते हैं वो ज़्यादातर डार्क एरियाज में, ह्यूमिड और मॉइस्ट प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं। नाउ लुक एट द वेरियस एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स ऑफ फंगी। ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल, राइजोपस। अनदर वन इज अगारिकस, जिसका अगारिकस इसका साइंटिफिक नेम है, अदरवाइज दिस इज मशरूम। एंड अनदर वन इज पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब वी विल बी स्टडिंग अबाउट बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दीज आर द वेरियस फंगीज, अगारिकस, राइजोपस, पेनिसिलियम। ओके, द वेरी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोन, एंड इट्स वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूनिसेल्युलर एंड दे हैव एनिमल्स लाइक क्वालिटीज फॉर कैप्चरिंग फूड और इन मूवमेंट। जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी क्वालिटीज बिल्कुल एनिमल्स से मैच होती हैं फूड को कैप्चर करने के लिए एंड मूवमेंट कैटेगरीज में। एंड जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर जनरली फाउंड इन फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉइल एट्सेट्रा। नाउ लुक एट द वेरियस एग्जाम्पल्स इन डायग्राम्स ऑफ वेरियस प्रोटोजोन्स। ओके, वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन इज नंबर वन अमीबा, एंड अनदर वन इज पैरामीशियम, एंड अनदर वन इज ट्रिपेनोसोमा। सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम एंड ट्रिपेनोसोमा। ओके, द वेरी लास्ट कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरसेस, एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरसेस आर, वायरस इतने ज़्यादा स्मॉल साइज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कि उनको हम बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से ही देख सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन बी सीन ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ये ऐसे माइक्रोस्कोप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एनलार्ज, बड़ा करके हमें वायरसेस का व्यू देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वायरसेस के बारे में, कि हम वायरसेस को क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ये, कि ना तो हम उन्हें प्रॉपरली लिविंग कह सकते हैं, ना ही दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉन लिविंग। एक्चुअली दे आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड एक और स्पेशलिटी जो वायरसेस की है वो क्या है, कि वायरस जो है वो किसी होस्ट बॉडी में अगर एंटर कर गए हैं, अब वो होस्ट कुछ भी हो सकता है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस, एनीथिंग, तो होस्ट बॉडी के अंदर तो वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो होस्ट बॉडी से बाहर हैं तो वो लाइफ का कोई साइन नहीं शो करते। तो यही प्रॉब्लम आती है कि अगर वो होस्ट बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे हैं, लेकिन होस्ट बॉडी से बाहर वो नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो अप कर रहे हैं। सो अगर हम वायरसेस के मेन एग्जांपल देखें, वैसे आई होप यू ऑल नो, आजकल तो सबके जबान पर एक ही सबसे वेरी कॉमन नेम इज देयर, COVID-19। येस, दिस इज द वायरस ओनली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरोना आउटब्रेक। लुक एट द वेरियस मोर एग्जांपल्स फॉर द वायरसेस। ओके, सो दीज आर द थ्री एग्जांपल्स दैट आर बीइंग गिवन इन योर बुक। नंबर वन इज बैक्टीरियोफेज, एडीनोवायरस एंड इन्फ्लुएंजा वायरस। दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ द वायरसेस। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द अनदर सिनारियो रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स और जर्म्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी न किसी डिजीज को कॉज आउट करते हैं प्लांट, एनिमल या ह्यूमन्स में, उन्हें बोला जाता है पैथोजन्स या जर्म्स। Now the question arises that what is the medium through which germs can enter the body? किस किस scenario को, किस किस medium को use करके ये जो pathogens हैं ये हमारी body में enter कर सकते हैं, वो कौन कौन से mediums हैं? Then these mediums are air, food and water, contact, carriers, cuts and wounds. यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो पैथोजन्स हैं, ये एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, फूड और वाटर के हेल्प से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं,
किसी इन्फेक्टेड पर्सन से कॉन्टैक्ट की वजह से पैथोजन्स हमारे अंदर एंटर हो सकते हैं, या कैरियर्स की हेल्प से, या हमारी बॉडी पर अगर कोई कट या वूंड है, वूंड मीन्स कोई चोट अगर लगी हुई है, तो उसके थ्रू हम वन बाय वन वी विल बी टेकिंग डिटेलिंग ऑफ ऑल दीज मीडियम्स. नाउ लेट्स फर्स्ट लुक आफ्टर दैट हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन्स कैन एंटर द बॉडीज थ्रू एयर. कैसे? सपोज करो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे ट्यूबरक्लोसिस है, अगर वो ओपनली स्नीज आउट करता है तो यानी वो क्या करेगा, जो जर्म्स हैं उसकी बॉडी से वो एयर में रिलीज हो जाएंगे बिकॉज ही इज़ नॉट कवरिंग द माउथ, क्योंकि वो ओपनली स्नीज कर रहा है. तो यानी वो जर्म्स एयर में सस्पेंड करके रहेंगे. अब आसपास जो भी हेल्दी पर्सन होगा वो उस एयर को जैसे ही इनहेल करेगा, वो जर्म जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में भी इंजेक्ट हो गया, चले गया. दैट मीन्स दैट हेल्दी पर्सन विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड थ्रू ट्यूबरक्लोसिस डिजीज. सो दिस इज हाउ एयर कैन बी मीडियम फॉर द पैथोजन्स टू एंटर द बॉडी. ऑल सच डिजीज, ऐसी जितनी भी डिजीज़ हैं जो एयर मीडियम को यूज़ करके दे कम्युनिकेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, दीज ऑल डिजीज आर नोन एज एयर बॉर्न डिजीज. फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, चिकन पॉक्स एंड वेरियस अदर डिजीज कम अंडर दिस कैटेगरी. सो नाउ लेट्स लुक टूवर्ड द नेक्स्ट मीडियम, दैट इज फूड एंड वाटर. ओके, द नेक्स्ट मीडियम इज फूड एंड वाटर. So how micro organism can enter the body through food and water? जो cholera या typhoid जैसी जो disease होती है, actual में ये disease तभी होती है किसी भी organism को, किसी भी human being, animal या plant, human being या animal को, जब वो contaminated food या water consume कर लेते हैं. अगर वो properly hygienic condition में prepare ना हुआ हुआ, या lack of proper sanitation and due to lack of proper hygienic condition, इस तरीके की condition में prepare किया हुआ food consume कर लेते हैं, तो ये disease उन्हें होती है. That means from you should make sure that from wherever you are taking the food, आप बाहर market से जहाँ से भी कोई cooked food if you are consuming, then you should make sure कि वो area properly hygienic area में हो, and the person who is involved with the cooking of the material should be like, should take care of proper hygiene. And actual mein jo aisi disease hoti hai jo hame food se ya fir contaminated water ki wajah se hoti hai, use hum water food borne disease kehte hain, jisme cholera ya typhoid aata hai. So this is the reason that why there should be proper maintenance of proper sanitation and proper hygienic conditions in the kitchen areas. After that, the next medium through which microorganisms can enter the body is direct contact. Actual mein agar kisi bhi koi bhi infected person hai, use chicken pox ya flu aisi koi bhi disease hai, aap us person ke, infected person ke agar direct contact mein aayenge, for example if you have used handkerchief of that person, if you have taken food with the person in the common utensil, then definitely there will be contamination of your body with the pathogens with which the infected person is suffering. So direct contact with the infected person should be avoided in the case of disease which are communicable, that means which can transfer from infected person to healthy person. Iska sabse bada example this time live we are having in our world, that is coronavirus flu, because COVID-19 virus is getting transferred from one person to another via contact only. Okay, the next medium through which microorganisms can enter the body are carriers. Carriers ka actual mein kya meaning hai? जो मॉस्किटोज़ और हाउस फ्लाई इस टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनके पास क्या स्पेशलिटी प्रेजेंट होती है कि ये अपनी बॉडी के ऊपर पैथोजन्स को कैरी कर सकते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी मॉस्किटो ने या किसी हाउस फ्लाई ने इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड जो है वो सक किया, और यानी उनकी बॉडी के ऊपर या फिर उनके अंदर जो उनकी स्टिंग के ऊपर वो पैथोजन आ गया होगा जो उस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड में था,
अब जब वही मॉस्किटो या वही हाउस फ्लाई किसी हेल्दी पर्सन की स्किन के ऊपर बैठेगी एंड उसे काटेगी, इट विल बाइट द हेल्दी पर्सन, देन डेफिनेटली द जर्म्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द स्टिंग ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन वो उस हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी मिक्स हो जाएंगे। इसका मतलब मॉस्किटो और हाउस फ्लाई जैसे जो इंसेक्ट्स हैं वो अपनी बॉडी के ऊपर पैथोजन्स को कैरी करते हैं और हेल्दी पर्सन्स को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे मॉस्किटोज और हाउस फ्लाइज को, ऐसे इंसेक्ट्स को हम कहते हैं कैरियर्स और वेक्टर्स ऑफ डिजीज, मतलब वो कैरी करते हैं डिजीज को अपने ऊपर इन द फॉर्म ऑफ पैथोजन एंड दे ट्रांसफर द पैथोजन्स टू द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन। तो इसका एक हमारे पास बहुत बड़ा एग्जांपल है और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को। ये बोला जाता है अक्सर कि डेंगू और मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है लेमन लैंग्वेज में, लेकिन बीइंग अ प्रॉपर साइंस स्टूडेंट आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि मलेरिया को कॉज करता है एक प्रोटोजोन जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्रोटोजोन हमने कैटेगरी पढ़ी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, लेकिन जो फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटो होता है इस मॉस्किटो की वजह से वो स्प्रेड होता है। यानी ये जो मॉस्किटो है ये इस प्लाज्मोडियम को अपनी बॉडी के ऊपर कैरी करके हेल्दी पर्सन्स की बॉडी तक पहुंचाती है। तो एक्चुअल में मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के काटने से नहीं होता, वो मॉस्किटो जो अपनी बॉडी के ऊपर प्लाज्मोडियम को कैरी करता है उसके ट्रांसफर की वजह से मलेरिया जो है वो स्प्रेड होता है। इसके अलावा डेंगू भी इसी तरीके से, जो एड्स मॉस्किटो होता है वो जो मॉस्किटो होता है वो डेंगू फीवर जो होता है उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के ऊपर कैरी करता है और सारे के सारे हेल्दी पर्सन्स को भी इन्फेक्ट आउट कर देता है। तो दीज काइंड ऑफ इंसेक्ट्स आर नोन एज वेक्टर्स ऑफ डिजीज और कैरियर्स ऑफ डिजीज। सो दिस इज हाउ द कैरियर्स कॉज healthy persons to get infect or carriers are the very perfect efficient medium for pathogens to enter the bodies. Last, cuts and wounds. अगर suppose हमारी body के ऊपर कोई cut या कोई wound है, यानी कोई चोट लगी हुई है, कोई cut है, इसका मतलब हमारी skin में break है, कोई भी pathogen उस break के ऊपर अगर आएगा तो वो उस break के through enter करके हमारी body में जा सकता है। So if we are having any cut or any wound on the body, then from that pathogens can directly enter the body and can make the healthy person infected. So these are the five main means by virtue of which various pathogens or germs can enter the body of human beings and animals. Okay, now I am showing you some of the disease caused by various microorganisms. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिजीज कॉज बाय फंगी। कौन कौन सी डिजीज हैं जिन्हें फंगी कॉज करते हैं? सबसे पहले हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो प्लांट्स में होते हैं, पोटैटो ब्लाइट, लीफ रस्ट एंड पाउडरी मिल्ड्यू। ये तीन ऐसे इन्फेक्शन हैं, फंगल इन्फेक्शन जो प्लांट्स में होते हैं फंगी की वजह से। एंड अगर मैं नीचे यहाँ ये इन डिजीज़ की बात करूँ तो ये तीन ऐसी डिजीज़ हैं जो ह्यूमन बींग्स को होती हैं फंगी की वजह से। एंड ज़्यादातर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ना ह्यूमन्स में, उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस। जो लोग प्रॉपर हाइजीन कंडीशंस को फॉलो अप नहीं करते हैं, प्रॉपरली हाइजीनिक इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, उन लोगों को ज़्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। फंगल डिजीज़ के केसेस हैं रिंगवॉर्म, skin infection and athlete foot. So these six are the disease that are caused by fungi. These three are in plants and these three are in humans. Okay, next I'm showing you the table of the various disease that are caused by bacteria. For example, cholera, typhoid, gastric ulcer, tetanus, tuberculosis, leprosy, anthrax. लेप्रोसी, यहाँ तक ये जितने भी मैंने डिजीज़ के नाम लिए इनके लिए कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं। कॉलरा जो है वो विब्रिए कॉलरे से होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाई से होता है, गैस्ट्रिक अल्सर हेलीकोबैक्टर पायलोरी से होता है, सो प्लीज़ डोंट बी स्कैर्ड। ये जो बैक्टीरिया के नेम्स हैं, आई नो ये बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, बट as a example only you have to learn just only one or two,
ये जो स्टार्टिंग के डिजीज थे बैक्टीरिया के थ्रू, ये ह्यूमन बींग्स में होते हैं। उसके अलावा एंथ्रेक्स जो है वो बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज करता है, जो कि रूमिनेंट्स में होता है। रूमिनेंट्स यानी रैट्स, इस टाइप की चीज़ों को रूमिनेंट्स बोला जाता है। सॉरी रूमिनेंट्स, आई होप यू रिमेंबर रूमिनेंट्स का क्या मीनिंग होता है। हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा है, रूमिनेंट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड जो है र्यूमन ऑर्गन में ले जाकर वापस से उसे माउथ में लेकर आते हैं और वापस च्यू करते हैं, यानी बफेलो, शीप, गोट, वो कैटेगरी होती है रूमिनेंट्स की। उसके अलावा जो ये लास्ट के थ्री और फोर डिजीज हैं, इन्हें भी बैक्टीरिया कॉज करते हैं, बट दे ऑल अकर इन द केस ऑफ प्लांट्स। सो एज एन एग्जाम्पल, यू शुड लर्न ईदर वन और टू डिजीज दैट इज बींग कॉज्ड इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, दैट विल बी इनफ।